ना। तो चलिए आज मैं आप लोगों को जर्नल में ही जो जो आप जर्नल पढ़ रहे हैं इस जर्नल में ही एक न्यू थ्योरी डिस्काउंट, जिसका हिंदी मीनिंग है आपका क्या, छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। तो उस छूट के बारे में बताऊंगा कि ये डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होता है, और इससे संबंधित अगर जर्नल एंट्री दे दिए जाएं तो वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट। कॉपी और कलम लेकर के आप तैयार हो जाएंगे आज इसी से संबंधित, ताकि आपका जर्नल आगे प्रॉपर बनता रहे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखेंगे। आपका आज का आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट। छूट से आप क्या समझते हैं। डिस्काउंट छूट के क्या प्रकार हैं, है ना। डिस्काउंट से आप क्या समझते हैं और छूट के क्या प्रकार हैं, इसके बारे में बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि डिस्काउंट क्या है, बिकॉज डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, और अब जो आप बनाएंगे डीके गोयल बुक से या जो आपको पीडीएफ भेजा गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें जब आप बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। एक मिनट मैं भी बुक निकाल लेता हूँ कि आपके कहाँ से वो प्रॉब्लम है डिस्काउंट वाले। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्काउंट आ गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट इज अ रिबेट, और डिस्काउंट इज अ रिबेट और कंसेशन, CONCESSION। डिस्काउंट इज अ रिबेट और कंसेशन अमाउंट विच इज गिवेन टू द परचेजर, विच इज गिवेन टू द परचेजर बाई द सेलर ऑफ द गुड्स। सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, है ना। डिस्काउंट यानी छूट क्या है। तो छूट एक प्रकार का रिबेट है। रिबेट किसे बोलते हैं, किसी भी प्रकार की कमी कर देना, दाम में कमी कर देना, किसी चीज में कमी कर देना। तो छूट एक प्रकार का रिबेट है और कंसेशन है, कम की जाने वाली राशि है, विच इज गिवेन, जो दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, कौन? हाँ, तो डिस्काउंट क्या है। तो एक रिबेट है और कंसेशन है, विच इज गिवन टू द परचेजर, जो खरीदार के द्वारा दिया जाता है, किसे, बाय द सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। सेलर को यानी सामान बेचने वाले को, क्यों, तो उस वस्तु के लिए या उसके सेवा के लिए। अब आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज,
20,000 at a trade discount of rupees 5%, है ना। कहते कि अगर आपने 20,000 का सामान 5% छूट पे खरीदा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पहले तो आपका हो गया, लिखेगा डिस्काउंट बराबर, तो डिस्काउंट बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 20,000 × 5/100 दैट इज आपका जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 20,000 का 10% 2,000 और 20,000 का 5% कितना 1,000। तो ये छूट आपको कितना मिल गया 1,000। यहाँ पर जो एक्चुअल परचेज होगा, एक्चुअल परचेज प्राइस कितना हुआ, कितना में आपने सामान खरीदा, तो 1,000 माइनस 1,000 माइनस सॉरी 1,000 नहीं 20,000 माइनस 1,000 यानी ये जो आपका आ जाएगा कितना का सामान खरीदाया, तो 19,000। ये यहाँ पे डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, तो 5%। अमाउंट में हम लोगों को निकालना पड़ता है, अमाउंट में कितना डिस्काउंट है, तो 1,000 और खरीदा हमने कितना में, तो आपका खरीदा हमने कितना में, तो खरीदा हमने 19,000 में। तो ये हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कहा जाए कि आपको यही अगर यही इसी में आपको कहा जाए कि आप ये 19,000 की राशि ही, 19,000 का राशि जब आपको कैश पेड करने का बारी आए, तो लिखा जाए कैश पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, एक नहीं लिखे 20%, है ना। कैश दिया गया कितना परसेंट के छूट पर, 20% के छूट पर। तो आप यहाँ पर निकालिएगा, यहाँ पर निकलेगा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड और कैश। कैश क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो हम लोग निकालेंगे कैश डिस्काउंट बराबर हमें कितना पैसा देना था, 19,000। उसी को मान कर चलना है कि ये ऊपर वाला का ही ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हम लोग लिखेंगे यहाँ कैश डिस्काउंट बराबर 90,000 × 20/100 दैट इज आपका आ जाएगा कितना, 3,800। अब हम लोग यहाँ करेंगे बराबर एक्चुअल कैश पेड, एक्चुअल रियल पैसा दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, तो 19,000 माइनस 3,800 ये आपका आ जाएगा दैट इज 15,200। कितना आ गया, 15,200। 19,000 में से 3,000 जाएगा तो आपका हो जाएगा
16 और फिर 800 और चला जाएगा 15,200। तो देखिए हमने आपको यहाँ तक बताया कि डिस्काउंट क्या है और फिर बताया कि डिस्काउंट में किस तरह से आपके दो तरह के डिस्काउंट रहते हैं, इस चीज को भी बताया। अब यहाँ तक में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, अपन म्यूट कर सकते हैं खुद को। देखिए यहाँ तक डिस्काउंट समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए। साहित्य राज शीतल बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद। इसके बाद अब डिस्काउंट में हम लोग इसका थ्योरी आगे चलेंगे। एक मिनट के लिए का कॉल आता हूँ। अब इसमें आइए, हमने डिस्काउंट बताया, डिस्काउंट में इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं ये बताया। अब इसमें क्या होता है कि डिस्काउंट में आपके जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, है ना। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, है ना, कि एक कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं और इनके क्या क्या यूज हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि डिस्काउंट जनरली दो तरह के होते हैं। जनरली डिस्काउंट इज ट्रीटेड इन फॉलोइंग, डिस्काउंट इज ट्रीटेड इन फॉलोइंग टू वेज, है ना। साधारणता ये जो डिस्काउंट होते हैं इनको दो तरह से ट्रीट किया जाता है। किस तरह से ट्रीट किया जाता है सर? वो दो तरह के डिस्काउंट कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट, है ना। हिंदी होता है ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी व्यापारिक छूट। इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको समझ में आएगा। और कैश डिस्काउंट का हिंदी होता है नगद छूट, नगद छूट, है ना। छूट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट का हिंदी नगद छूट। अब ये जो कैश डिस्काउंट होते हैं ना, ये कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। ये जो कैश डिस्काउंट होते हैं, ये कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड द सेकंड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। है ना, ये दो तरह के छूट होते हैं। द फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकंड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम लोग चलेंगे डिस्काउंट, हम लोग यहाँ पर चलेंगे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या है और इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। तो कॉपी के बीचों बीच में आप लिख लेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जिसका हिंदी है व्यापारिक छूट, और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे।
जिन लोगों का क्लास मिस हो जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, वो गूगल क्लासरूम पर भी देख सकते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करके आप उसमें ज्वाइन करेंगे, प्लस साइन ज्वाइन क्लास, कोड हमसे व्हाट्सएप से या कॉल करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट ये हो गया क्या, व्यापारिक छूट। अब व्यापारिक छूट के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, यहाँ तक सबका हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करेंगे। व्यापारिक छूट अब समझिए क्या होता है। व्यापारिक छूट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखिए, छूट दो तरह के होते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ विचार करेंगे। छूट दो तरह के होते हैं। आप देखते होंगे, जब आप गोदाम में या जब आप मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हो, या किसी रिटेलर या हॉकर जो आपके घर के आसपास जो सामान बेचता है, मान लीजिए आपके घर के बाहर सामान सब्जी बेच रहा है, आपने पूछा कि भैया ये सब्जी कैसे है, उसने बोला 20, आपने बोला सर, आपने बोला 20 क्यों, चलो 16 का दोगे तो 2 केजी दे दो, कहा ठीक है सर ले लो। तो 20 का जब वो 16 में दे दिया, तो इसके लिए वो 4 रुपया को मायने नहीं देता, मतलब वो एक मुजवानी छूट हो गया, एट ओरल डिस्काउंट हो गया, उसको वो उतना माइंड नहीं करता, 4 का 4 आपको छूट दे दिया, 20 पे जो सामान प्रोडक्ट पहले बिक रहे थे उसे उसने, 20 के जो प्रोडक्ट बिक रहे थे उसे उसने 4 का डिस्काउंट दे करके आपको 16 में दे दिया, और इसके लिए कोई ढोल नगाड़ा नहीं पीट रहा है, उसको किसी तरह से मतलब नहीं, 16 का आपको देगा और आगे बनेगा। लेकिन एक दूसरा डिस्काउंट देखिए, फ्लिपकार्ट पे MI का टीवी दे रहा है, 12,000 उसका प्राइस है, वो आपको 500 रुपया छूट दे रहा है और 11,500 में दे रहा है, बट ये क्या करेगा, ये पूरा ढोल नगाड़ा पीटेगा कि भाई हमने तुमको क्या दिया, तो डिस्काउंट दिया, पहले तो आपको चिल्ला चिल्ला करके पूरे साइट पे ये हल्ला करेगा, 12,000 में 500 छूट दिया जा रहा है, 11,500 में आप ऑफर उठा लीजिए, दिस डैट पूरे साइट यूट्यूब मीडिया दिस डैट व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह ये हल्ला करेगा। आपको जो बाकायदा बिल मिलेगा उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आपने 11,500 में खरीदा, वहाँ वो लिखा हुआ रहेगा कि 12,000 माइनस 500 दैट इज 11,500, इस तरह से आपका क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। तो डिस्काउंट जनरली दो तरह के होते हैं। एक ऐसा डिस्काउंट, इससे इस तरह आपने ये क्यों बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्काउंट के जो ये टाइप हैं ये इस स्टोरी पर ही छुपे हुए हैं। मतलब सर, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ऐसा जिसका बिल पर एंट्री किया जाता है, एक ऐसा जिसका बिल पर एंट्री हो, और एक ऐसा जिसका बिल पर एंट्री नहीं हो, मतलब जो अननोन हो, जो क्या हो, अननोन हो, और वैसा डिस्काउंट जिसका बिल पर एंट्री होता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, और वैसा डिस्काउंट जिसका बिल पर एंट्री नहीं होता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, छूट जो होते हैं दो तरह के, एक ऐसा जिसका बिल पर एंट्री नहीं होता है, और दूसरा ऐसा जिसका बिल पर एंट्री नहीं होता है। जिसका बिल पर एंट्री नहीं होता उसे ट्रेड डिस्काउंट, और जिसका बिल पर एंट्री होता है उसे कैश डिस्काउंट। बस यही मेरी स्टोरी थी। आपको फिर से ये चीजें सुननी हो, गूगल क्लासरूम ज्वाइन क्लास और वो वाले आप वीडियो देखेंगे, अपलोड 1 दिन के बाद कर दिए जाते हैं, यानी आज का वीडियो आप कल या रात में 9 बजे तक देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम समझेंगे अब इसका थ्योरी। सर, ये तो आपने कहानी बता दिया, इसकी थ्योरी बताओ। हाँ तो बिल्कुल, मैं बताऊंगा थ्योरी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, द डिस्काउंट विच इज जनरली The discount which is generally given by wholesaler seller to the retailer of the goods and services.
है ना, वह छूट जो साधारणतः दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, होलसेलर के द्वारा दिए जाते हैं, और किसे दिए जाते हैं, तो रिटेलर को। वह छूट जो होलसेलर के द्वारा, होलसेलर मतलब समझते हो, हर शहर में एक अपना उस होलसेलर होता है, होलसेलर मीन्स गोदाम, हर शहर में क्या होता है एक होलसेलर यानी गोदाम होता है। जैसे गया शहर में आप हैं तो गया का देखिए गोदाम, गोदाम है जहाँ से आपके मोहल्ले के जो भी किराना स्टोर्स हैं, जो भी लोग हैं वो लोग सामान लाते हैं। आप पटना चले जाइए तो पटना में भी कुछ गोदाम होगा जहाँ से वो लोग सामान लाते होंगे। एक थोक मंडी है ना, जैसे आपको सब्जी लाने जाना हो तो एक आपके घर के बाहर मिलने आता है, और एक बाजार होता है प्रॉपर, तो वो चीज होती है, एक मंडी होती है जहाँ प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। तो कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट वहां ही चलता है, मंडी में एकदम थोक के भाव में मिलता रहा, भाई इतना में नहीं लोगे तो इतना में ले लो, भाई इतना में नहीं लोगे तो इतना में ले लोगे, और वो बिल वगैरह की उसमें वहां उतनी जरूरत नहीं होता, तो दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो कहता है ट्रेड डिस्काउंट ज्यादातर किनके बीच, तो होलसेलर के द्वारा ट्रेड डिस्काउंट दिए जाते हैं, किसे दिए जाते हैं, तो रिटेलर को दिए जाते हैं ज्यादातर ट्रेड डिस्काउंट जो है। व्यापारिक छूट, नाम ही है व्यापारिक, तो व्यापारिक छूट ज्यादातर होलसेलर के द्वारा दिए जाते हैं, और किसे दिए जाते हैं, रिटेलर को दिए जाते हैं, है ना, किसके लिए, तो अपने वस्तुओं और सेवाओं के लिए, है ना। देयर इज नो एंट्री, देयर इज नो एंट्री विल बी पास्ड, देयर इज नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट के लिए किसी भी तरह के एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसमें आपको कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है, और तो और दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट, दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट जनरली गिवन व्हेन ए बल्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज टू बी परचेज और सोल्ड, है ना। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट तभी होता है खास करके, ये ट्रेड डिस्काउंट खास करके तभी होता है जब क्या होता है, ये बल्क, बल्क मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक लार्ज क्वांटिटी में, बल्क मतलब क्या, एक बड़ी मात्रा में, एक लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है, है ना। तो ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, इज गिवन व्हेन ए बल्क, व्हेन ए बल्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी परचेज एंड सोल्ड, जब एक भारी मात्रा में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है तभी क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब आइए इसका और इसमें क्या होता है, तो मैंने सिखाया, और इसमें क्या होता है, मैंने सिखाया, क्या सिखाया, कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री पास नहीं होता, ये सबसे मेन है, है ना, नो एंट्री विल बी पास्ड। सबसे मेन बात जो हुआ वो क्या, कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए किसी भी तरह की जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है, है ना। ट्रेड डिस्काउंट के लिए किसी भी तरह की जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब सर एक एग्जांपल बताइए। और इसमें एक नोट है, नोट है, नोट क्या है कि आप क्वेश्चन में आसानी से पहचान सकते हो कि क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है या नहीं, है ना। पहचान क्या है, टू जनरली, जनरली द वर्ड ट्रेड मस्ट बी, जनरली द वर्ड ट्रेड मस्ट बी given
when there is a trade discount, है ना? क्या बोला मैं? साधारणता, generally साधारणता, the word एक शब्द है और वो शब्द क्या है? ट्रेड. साधारणता एक शब्द है, वो शब्द क्या है? ट्रेड. साधारणता आपको क्वेश्चन में ट्रेड लिखे हुए मिलेंगे जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ रहे, है ना? जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो आपको टी आर ए डी ट्रेड शब्द लिखा हुआ मिलेगा, है ना? तो अब आप क्वेश्चन में आराम से पहचान जाइएगा कि क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है या नहीं. जब भी क्वेश्चन में टी आर ए डी ट्रेड शब्द लिखा हुआ रहे तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन में क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है. इसे एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे सपोज कीजिए, लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि कॉस्टिंग रुपीज 5000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, है ना? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. कहता इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कहता रवि से हमने सामान खरीदा, कितना का सामान खरीदा? 5000 का, 5% छूट पे. तो सबसे पहले तो सर कि इसमें टी आर ए डी ट्रेड शब्द लगा हुआ है. सबसे पहले सर टी आर ए डी ट्रेड शब्द लगा हुआ है सर, तो हमने समझ लिया कि ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है. जब भी क्वेश्चन में टी आर ए डी ट्रेड शब्द लिखा मिले, आप 100% समझ जाइए, एकदम नियम है कि वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है. ओके सर, समझ लिया. अब हम लोग यहाँ निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट बराबर. ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू, हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना का प्रोडक्ट है हमारा 5000 इंटू जितना परसेंट है 5/100, दैट इज आ जाएगा कितना? तो 5000 का 5% आपका आ जाएगा 250. यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमने इतना का सामान खरीदा तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया? तो एक्चुअल प्राइस हो गया 5000 माइनस 250, दैट इज 4750, है ना? 4750, 4750, ये आपके क्या हो गए? उस वस्तु के प्राइस हो गए. अब इसमें आप जानते हैं, मैंने पिछले क्लास में ही बताया, आप इसका जर्नल एंट्री देख लो. गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, रवि से सामान खरीदे, कहीं पर कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने सामान क्या खरीदा है? उधार खरीदा. जब भी क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ रहे मतलब नगद, और अगर कैश नहीं लिखा हुआ हो, नाम दिया हो, मतलब सामान हमने उधार खरीदा. और जब उधार खरीदा तो रवि का नाम लिखना जरूरी है, और सामान खरीदा तो बिजनेस में सामान आया और देने वाला कौन है? रवि. दो अकाउंट कौन कौन खुलेंगे? परचेज अकाउंट, और दूसरा खुलेगा क्या? रवि अकाउंट. सामान हमने खरीदा, सामान बिजनेस में आ रहा है, जो आता है वो डेबिट, और जो रवि पर्सनल के रूल से देने वाले को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है. तो यानी इसमें जर्नल एंट्री होगा हमारा. क्या जर्नल एंट्री होगा? तो सामान खरीदा जा रहा है सर, तो लिखेंगे परचेजेज अकाउंट DR टू, थोड़ा जगह छोड़कर टू, जिससे खरीद रहे हैं, तो सर उधार खरीदा इसलिए नाम लिखना जरूरी है, टू रवि. क्रेडिट में अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और नहीं तो लिखेंगे तो टू रविज अकाउंट. अब पैसा कितना जाएगा? देखो यही मेन है. मैंने बताया है कि जब ट्रेड डिस्काउंट रहे तो कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होते हैं. ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 250. तो अगर आप यहाँ 5000 लिख दोगे, 5000 लिख दोगे, तो उसमें तो 250 ट्रेड भी आ गया, बिकॉज 5000 इज
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज 4750 एंड 250। तो आपको तो कहा कि ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं है, यानी कितना लिखाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डियर टू रवि 4750। रवि में भी सेम हमारा जाएगा 4750। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, कितना परसेंट छूट था हमारा, तो एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, छूट था हमारा कितना 5%, एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, ये होगा है ना। तो यहां पर हुआ क्या कि ट्रेड डिस्काउंट हमने बेहतर तरीके से समझा। ट्रेड डिस्काउंट बस यही आपका थ्योरी है, ट्रेड डिस्काउंट वैसे डिस्काउंट जिसके लिए कोई एंट्री पास नहीं हो, होलसेलर रिटेलर को देता है और इसमें किसी भी तरह के एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है। ये तभी दिया जाता है जब एक भारी मात्रा में, एक बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाए। किस तरह से होते हैं वो आपने यहाँ पर देख लिया, 5000 का 5% या निकाल दिया जाता है, डिस्टेट ये हो गया, तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसमें एक नोट करने वाली बात और भी है, नोट इसमें एक चीज हम लोग और करेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, वो ये कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन इन कैश और क्रेडिट बोथ केसेज, है ना। ये बात ध्यान करने वाली है हम लोगों की कि ट्रेड डिस्काउंट जो है नगद और उधार, चाहे आप सम प्रोडक्ट को नगद खरीद रहे हो या उधार खरीद रहे हो, दोनों में ये एंट्री, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम रवि कॉस्टिंग 5000, तो ये उधार था तो ये एंट्री हो गया। अगर नगद रहेगा, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश लिखा हुआ रहता तो भी ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, ये मतलब ट्रेड लिखा हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का ये नेचर है कि ये नगद और उधार दोनों में चलता है। लेकिन देखो अब एक मिनट बाद वीडियो कटेगा क्योंकि जूम 40 मिनट्स का ही देता है, तो आप फिर से लॉगिन करोगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ रवि से हमने सामान खरीदा तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, लेकिन अगर ये कैश ट्रांजेक्शन भी होता तो ट्रेड निकलता, तो ट्रेड डिस्काउंट सेम इस तरह से निकलते हैं। लेकिन अच्छा आपने सर ये नोट क्यों लिखाया, ये तो सभी को जान रहे हैं। तो हाँ इसलिए लिखाया क्योंकि आगे जब मैं कैश डिस्काउंट बताऊंगा तो उसमें आप